सो गाइज फाइनली मैंने सारा जितना भी लद्दाख जा रहा हूँ अभी मैं तो सारा सेटअप मैंने बेड के ऊपर रख लिया है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मतलब क्या क्या चीज़ मैं लेके जा रहा हूँ, और अगर आप इन फ्यूचर लद्दाख के लिए या कैंपिंग के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जैसे कि मेरे इस बैग में डीकैथलॉन का 3% का टेंट है, और इसके नीचे स्लीपिंग मैट है, और उसके बाद ये वाला स्लीपिंग बैग मैंने लिया था विनायका सेल से, करीब 900 रुपये का मेरे को ये पड़ा था, और डीकैथलॉन का ये वाला बैग मेरे को पड़ा था 3500 रुपये का। उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्यूटेन गैस के मैंने दो सिलेंडर ले लिए हैं। उसके बाद ये वाला गैस स्टोव लिया है मैंने, और इसको मैं मतलब बैग के अंदर ही रखूँगा, और चेन क्लीन और चेन लूब मैंने दो लिए हैं, और चेन क्लीन का मैंने एक सिलेंडर लिया है, तो इनको भी मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ। ये वीडियो मैं बस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इन फ्यूचर कभी जाओ तो क्या क्या चीज़ें हैं तो आप देख के एक बार रिमाइंड कर सको। तो इसको एक बार मैं पैक कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा सारा सामान है कैंपिंग में जो मेरा यूज़ होगा, जैसे कि ये यिप्पी का, और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने लिया है पोहा, और कुछ ब्रिटानिया के केक भी लिए हैं, और ये सब सारी चीज़ें हैं। ये नूडल है नोर का, और ये है मिल्क पाउडर, और सबसे ज़रूरी चीज़ कॉफ़ी, और उसके अलावा स्पेशल एक चीज़ जो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि वो है MTR की दाल मखनी, और ये मेरे को एक ही मिली। उसके अलावा टूथपेस्ट को मैं रखूँगा टैंक बैग के अंदर। उसके अलावा नोर के सूप्स आप लोग कैरी कर सकते हो। तो इसके अंदर कुछ बिस्किट वगैरह हैं, तो काफ़ी सामान मैंने इसके अंदर ले लिया है। तो सैडल बैग के अंदर मैंने रखे हैं अपनी 5-5 लीटर के दो एक टाइप से आप कह सकते हो कि जेरी कैन, जिसमें मैं अपना फ्यूल कैरी करूँगा, और ये मेरी गाड़ी के हैं इंजन ऑयल के, तो वो मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ करके रख लिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा बंजी कोड जो कि ज़रूरत आ सकती है, उसके साथ टाल। सो मैंने ये बल्ब भी कैरी किया है कैंपिंग के लिए, और एक सेकेंडरी ये वाला बल्ब है। उसके अलावा कुछ मेडिसिंस मैं कैरी कर रहा हूँ, तो बुखार के लिए पैरासीटामोल, और एक डाइमोक्स जो मेरे साथ फ्रेंड जा रहा है उसने कैरी कर ली है, और ये है मेरा हाइड्रेशन बैग, और ड्रोन कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और GoPro सबसे ज़रूरी, हेलमेट, बूट्स और मेरे राइडिंग गियर। ये चीनी का डब्बा जो कॉफ़ी के लिए लिया है, और यहाँ पे कैंपिंग के लिए मैंने एक स्पून, एक फोक, एक कटोरी, और ये मैंने घर से लिया है, बाहर से परचेज नहीं किया है। आप ये वाला सेटअप बाहर से भी परचेज़ कर सकते हो, बाहर से आपको पड़ेगा मतलब 2000 से लेके 3000 की रेंज के अंदर। और यहाँ पे कैप, कुछ टी शर्ट्स, लोअर, और ये ठंड का सामान, एक आधी जैकेट और मैं रखूँगा, और उसके अलावा एक ये बहुत ज़रूरी है एक्सटेंशन चार्जर, आपको बहुत ज़रूरी आइटम लगेगी जब आप बाहर ट्रैवल करोगे, क्योंकि सॉकेट कई बार एक ही मिलता है, और आपके पास गैजेट आप देख ही सकते हो कितनी चीज़ें हैं। ये इंटरकॉम भी चार्ज करना पड़ गया तो दिक्कत आ जाएगी, इसलिए मैंने वो लिया है। उसके अलावा ये मेरे बाइक के स्टिकर्स हैं जो मैं जगह जगह पर लगाऊँगा, और ये हैं रेन कवर और जो कि मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश तो आनी आनी है यार, अगर आप पहाड़ों में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो। सेकेंडरी मेरे एल्पाइन स्टार्स के ग्लव्स, ये मैं पहाड़ों में ही यूज़ करूँगा। उसके अलावा ये मेरे सेकेंडरी ग्लव हैं जो मैं नॉर्मल रोड के ऊपर चलते हुए पहनता हूँ, और ये कुछ सनस्क्रीन, टूथपेस्ट और नेल कटर भी मैंने रख लिया है, और दो पावर बैंक मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। उसके अलावा इसके अंदर चार्जिंग केबल हैं, टाइप सी, टाइप ए, हरी टाइप के चार्जिंग केबल हैं, और डॉक्यूमेंट्स
स्पेशली आप अपने बाइक का इंश्योरेंस और पोल्यूशन ज़रूर रख लेना। और ये है लद्दाख का परमिट, तो ये लद्दाख का परमिट, इसकी मैंने 2-3 कॉपी और एक आधार कार्ड की कॉपी रख ली है। उसके अलावा मेरे को बस यहाँ पे स्लीपर्स रखनी है, और उसके अलावा लगभग मैंने सारा सामान रख लिया है मेरे हिसाब से, और कुछ सामान तो है नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना और एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे आने वाली लद्दाख की सीरीज़ में ऐसे डालते ही रहूँगा आगे। तो कल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं 3 बजे, तो एक बार सारी इस चीज़ को पैक कर लेते हैं और बाइक के ऊपर लोड करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इतना सारा सामान बाइक पे कैसे लोड होगा। तो एक बार मैं बैग्स के अंदर ये सारा सामान सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद फाइनल मैं आपको बाइक के ऊपर लोड करके दिखाता हूँ ये सारा सामान। सो गाइज, अभी फाइनली सारा सेटअप मैंने बाइक के ऊपर सेट कर लिया है, और ये है राइनोक्स का टेल बैग। यहाँ पे मैंने सेटअप किया है अपना स्लीपिंग बैग, और नीचे हैं वाइट एरा वाले सैडल बैग्स। तो अभी प्लान ऐसा है क्या, तो अभी प्लान कुछ ऐसा है कि कल 3 बजे सुबह हम लोग निकल जाएंगे। तो लद्दाख सीरीज़ की सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।